अब एक बड़ी खबर प्रदूषण को लेकर है और ये हमारी कल की कवरेज से जुड़ी हुई भी है। पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की बात बताई थी। ये भी कहा था कि दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर नकली बादल बरसाने का प्लान कर रही है, तो ये खबर सही निकली है। पब्लिक इंटरेस्ट की इस खबर पर मोहर लगी है। दिल्ली सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि कृत्रिम बारिश होगी और तारीख भी बता दी है कि कब होगी। खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे। दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। इस बारिश को आप भी देखेंगे और हम तो कवर भी करेंगे। अब प्रदूषण के उस गुबार की बात कर लेते हैं जिसके लिए ये आर्टिफिशियल बादल बरसाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकारों पर गुस्से के बादल बरसाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पराली जलाने को बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सबके लिए यह ऑर्डर आया था, लेकिन क्या ये ऑर्डर अमल में लाया गया? आज एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर इसकी पड़ताल की है। देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश ठेंगे पर, भाड़ में जाए प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी। पंजाब के किसानों की मनमानी जारी है। अब हम ग्राउंड जीरो पर हैं और इस वक्त हम राजपुरा के पास हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो प्रक्रिया है शुरू है यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि आग लगाई जा रही है खेतों में, और इम्पोर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि SHO वहां पर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करे, क्योंकि 20,000 लगभग केस वो हो चुके हैं और पॉल्यूशन जो दिल्ली का होता है उसमें एलिगेशन लगता है कि कंट्रीब्यूशन हो रही है। पराली जलाने पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी थी कि अगर अब कहीं भी पराली जलाई गई, किसी ने भी पराली जलाई, तो जवाबदेही उस इलाके के दरोगा की होगी। पटियाला में किसानों ने पराली जला दी, मौके पर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। एबीपी न्यूज के संवाददाता असीम बस्सी को खुद बहादुरगढ़ थाने जाकर दरोगा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद दिलाना पड़ा। इस रिगार्डिंग हमने 9 पार्टीज निकाली हुई हैं। मैं खुद भी उधर से आया हूँ कि गवर्नर साहब का रूट लगा हुआ है और सारे अभी जो रिपोर्ट हुआ है वहाँ भी हमारी पार्टी गई है। जहाँ पे आग लगती है उसको हम फायर अटेंडर की मदद से बंद करवाते हैं। इनको अवेयर करके जो जो मशीनरी वो मांगते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। कल ही पंजाब में पराली जलाने के 1,515 मामले सामने आए और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाई। लेकिन पंजाब में पराली के मामले घटने की बजाय आज और बढ़ गए। आज पंजाब में पराली जलाने के 2,003 मामले सामने आ गए। पराली पर पड़ताल का हमारा अगला पड़ाव था पंजाब का फिरोजपुर जिला। यहां भी किसान बेधड़क खेतों में आग लगा रहे हैं। आसमान में धुआं छाया हुआ है, सिर पर सूरज होने के बावजूद धूप जमीन पर नहीं पड़ रही। मनाही के बावजूद पराली क्यों जलाई जा रही है? किसान कहते हैं ये उनकी मजबूरी है। सरकार दूसरी फसल पर MSP दे दे, ना धान उगाएंगे ना पराली जलाएंगे। देखिए, किसान जो है वो पराली नहीं जलाना चाहते, लेकिन पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पराली जल रही उसकी जिम्मेदार पंजाब और केंद्र सरकार है। हमें MSP मिले और गारंटी हो कानून की उसे बिकने की, तो हमारा पानी भी बचेगा, हमारा पर्यावरण भी बचेगा। इतने टन जो गेहूं पैदा करके किसान दे पंजाब का, और उसकी वजह से पराली तो होगी। और सरकार किसानों को जबरदस्ती रोकती है लेकिन प्रबंधन कोई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। इस लताड़ से मान सरकार को एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेफिक्री का आलम देखिए, वो भी CM के गृह जिले संगरूर में। यहाँ पराली जलाने पर कोई रोक टोक नहीं, जितना चाहो जला लो, जितना चाहो प्रदूषण फैला लो। जिला संगरूर में हम एक गांव में खड़े हैं, यहाँ पर पराली जलाई जा रही है, धुआं निकल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हो कैसे धुआं निकल रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब के प्रशासन है जो, वो सख्ती भी नज़र आ रही है उनकी, क्योंकि वो किसानों के पास जा रहे हैं, जहाँ आग लगाई जा रही है वहाँ पहुँच रहे हैं। और कहीं जगह पर
आग लगाई गई है पर प्रशासन नहीं पहुंच सका। संगरूर में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, किसानों को रोकने और समझाने की कोशिश हो रही थी, फिर भी खेतों में पड़ी पराली जल रही है, लेकिन SHO साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी, कोशिश जारी है। किसानों नु असी मोटिवेट कर रहे हैं भी अग ना लगाई जाए, काफ़ी लोगों को सहयोग भी मिल रहा है, जो कुछ लोगों ने लाइया नहीं है वो बारे असं वेरीफाई कर रहे हैं, एक्शन लवेंगे, फिर भी पिछले सालों के मुकाबले इस बार अग दी घटनावें घट हुई ने। पराली पर पंजाब में किसी की नहीं सुनी जा रही, ग्राउंड पर SHO और पुलिस लाचार है, तो क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब की मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाने में फेल है? ये रिपोर्ट देखी आपने, भाई मसला वोट बैंक का है, कौन धुएं से पंगा ले, पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट थी। एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रदूषण पर जैसे एक्शन की उम्मीद थी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब हरियाणा और राजस्थान में 24 घंटे के अंदर पराली जलाने के मामले और बढ़ गए। अदालत ने SHO की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन कहीं भी किसी SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई की खबर हमारे सामने तो नहीं आई। ये कैसे संभव हो सकता है, जब पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं तो फिर SHO कैसे जिम्मेदार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए कुछ पॉइंट दिए थे, वो पॉइंट क्या है? कहा था दिल्ली के अंदर पड़े बंद जो पड़े हुए स्मॉग टावर हैं वो चालू कब होंगे, डीजल गाड़ियों की पहचान करके उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत और सलाह दी थी। पटाखों पर बैन दिल्ली NCR की बजाय पूरे देश में लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़वी घुट्टी दी तो आज दिल्ली सरकार हरकत में आई। दिल्ली में बाहर की टैक्सियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, दिल्ली की डीजल टैक्सियां भी खड़ी रही। 18 नवंबर तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लगे स्मॉग टावर भी चालू होने लगे हैं, पहले हमने दिखाया था आपको, बंद पड़े। ऑड इवन करने का जो हमने निर्णय लिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हम सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए, DPCC को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। दिल्ली में दो स्मॉग टावर बनाए गए थे, AQI 500 के पार चला गया तो भी स्मॉग टावर चालू नहीं किए गए, लेकिन कोर्ट के डर से दिल्ली का एक स्मॉग टावर आखिरकार आज चालू हो गया। ABP न्यूज आपको लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाता रहा है, और हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्मॉग टावर है, ये कैसे हम रिपीटेडली यहाँ पर आकर देख रहे थे और ये स्मॉग टावर बंद पड़ा था। हालांकि कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आई, और आज आप देख सकते हैं ये स्मॉग टावर यहाँ फंक्शनल कंडीशन में है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसके प्योरीफायर्स हैं, ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अभी चल रहे हैं, और ये स्मॉग टावर फाइनली आज वर्किंग कंडीशन में हमें दिख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने आज सुबह बैठक भी की थी, ऑड इवन को लागू करने पर बैठक की थी, और जो अधिकारियों हैं उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद जो प्रशासन है वो एक्शन में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी कहे, हमारे नेता कहां बाज आते हैं, उनकी जुबान पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, आज भी वो खुली गई एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी की है, सभी को मिल करके एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बस एक ही समाधान नजर आ रहा है कि एक बयान जारी कर दो, मतलब पूरी केंद्र सरकार, पूरी यूपी की सरकार, पूरी हरियाणा की सरकार चुप बैठी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया कि भैया चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की लगाई, कि एनवायरनमेंट सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई, कि आप इसमें डे टू डे बेसिस पे इंटरवीन करें, उसको रिजॉल्व करें। हरियाणा को भी करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ेगा, राजस्थान को भी करना पड़ेगा, तब होगा। ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी ना, ये हम थोड़ी कराएंगे, हमारे कहने पर थोड़ी कोई ऑर्डर हमारा फॉलो करेगा।
तो वो तो इनकी जिम्मेदारी है, ये कुछ कर ही नहीं रहे, कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, चुनाव में बिजी हैं, जाके चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। पराली और गाड़ियों ने पहले से ही हालत खराब कर रखी है प्रदूषण को लेकर। अभी दिवाली बाकी है, अगर दिवाली पर पटाखे जल गए तो अंदाजा लगाइए हालात क्या होंगे। आपको अंदाजा भले ना हो, सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली NCR ही नहीं पूरे देश में पटाखों पर पाबंदी होगी। फिर भी पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं, पटाखा बेचने वाले तो बेफिक्रे हैं ही, खरीदार भी बेपरवाह। बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रही है, और वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो मुंबई कर है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है कि उन्हें पटाखों का इस्तेमाल करना है कि नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि दिवाली के दिन 3 घंटों तक लोगों को अनुमति रहेगी पटाखे जलाने की। मैं फिलहाल मुंबई के लालबाग इस इलाके में हूँ। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पटाखे हैं वो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पटाखे हैं। आप देख सकते हैं जो आप अभी पटाखे बेच रहे हैं वो क्या इको फ्रेंडली है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। उसको चलते लोगों का क्या रिव्यू आता है, लोग क्या कहते हैं कि उन्हें इको फ्रेंडली चाहिए नॉर्मल चाहिए? नॉर्मल। तो अभी मतलब पहले जैसे दिवाली नहीं रही है? बहुत प्रदूषण हो रहा है। अभी कोरोना में पूरा पटाखा बीटाखा सब बंद था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी प्रदूषण हो रहा है इसलिए पटाखा नहीं चाहिए, मेरे को तो लगता है। लेकिन आप बच्चे के लिए खरीदने आए हो तो वो प्रदूषण, बच्चे लोग ज्यादा ये कर रहे तो लेना ही पड़ेगा ना। प्रदूषण तो हो रहा है लेकिन क्या बच्चों लोगों के, इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बोलने लेगा तो बच्चों ऐसा खुश भी नहीं होएगी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नजर भी बनी हुई है और हमारी कवरेज भी। इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है हमें। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं हटेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में हम भी नहीं। ABP News, आपको रखे आगे।